दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप उसे नोट करते जाएंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11वीं के गणित विषय यानी मैथमेटिक्स के समुच्चय पाठ पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जीव जगत पाठ पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, आपने बिहार करियर पोर्टल का नाम तो सुना ही होगा। 11वीं के पाठ के बाद हम आपको बिहार करियर पोर्टल के बारे में जानकारी देंगे कि आप इस पोर्टल का कैसे लाभ उठा सकते हैं और इससे आपको क्या-क्या जानकारी मिल सकती है। उसके बाद हम कक्षा 12वीं के गणित विषय के संबंध एवं फलन पाठ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जीव विज्ञान के पाठ जीवों में जनन विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 1। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय का परिचय और सारणीबद्ध विधि और समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं। आइए जानते हैं समुच्चय क्या होते हैं। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है, आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। भारत की नदियों का संग्रह है। अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि हमारे देश में कितनी नदियां बहती हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। और यही प्रश्न अगर मैं दूसरे बच्चे से पूछूं, तो उसका भी सेम आंसर होगा। अगर मैं उन बच्चों से ये पूछूं कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं, और दूसरे बच्चे से पूछूं कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं, क्या पता दोनों का आंसर अलग हो, तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को नहीं दर्शा रहे। लेकिन अगर जब मैंने उनसे ये पूछा कि भारत के अंदर कितनी नदियां बहती हैं, तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को दर्शा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चों का जो जवाब है वो क्या आ रहा है, एक सुपरिभाषित संग्रह के रूप में आ रहा है। आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, भारत की क्रिकेट टीम। अगर यही चीज मैं एक बच्चे से पूछूं कि हमारे भारत के अंदर कितने प्लेयर्स हैं, और यही प्रश्न दूसरे बच्चे से पूछूं कि हमारी भारत क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर्स हैं, तो दोनों का जवाब जो आएगा वो बराबर आएगा। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को दर्शा रहे हैं। अगर दूसरी जगह मैं इनसे ये पूछूं कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, या उन दूसरे बच्चे से पूछूं कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, तो दोनों का आंसर क्या पता अलग आए, तो ये सुपरिभाषित संग्रह को नहीं दर्शा रहा है। तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, को उसका आंसर भी सेम आएगा और दूसरे वाले का भी आंसर सेम आएगा, तो ये भी क्या प्रकट कर रहे हैं, सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय समुच्चय को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे Z, A और V। दूसरा, अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। बड़े अक्षर से समुच्चय का पहला लेटर बड़े अक्षर से दर्शाएंगे और जो उनके अंदर के अवयव होंगे उनको छोटे अक्षरों से दर्शाएंगे। तो A = ए हमारे पास क्या एक समुच्चय है, और उसके अंदर के अवयव क्या है हमारे छोटे अक्षर, जो कि क्या है, A, B, C और D। आइए जानते हैं तीसरा, यदि छोटा ए समुच्चय बड़े ए का एक अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि छोटा ए समुच्चय बड़े ए में है, वाक्यांश उसका अवयव है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटा ए समुच्चय बड़े ए का सदस्य है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटा ए समुच्चय ए में है, को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक एप्साइलन का प्रयोग किया जाता है।
अतः हम इसे इस रूप में लिखते हैं, छोटा ए एप्साइलन बड़े ए का, हम इसको इस रूप में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा, छोटा b अगर बड़े a के समुच्चय के अंदर नहीं है तो हम उसको ये लिखेंगे, छोटा b समुच्चय बड़े a में नहीं है या उसका सदस्य नहीं है, तो हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। समुच्चय के लिए वस्तुएं अव्यक्त तथा सदस्य पर्यायवाची पद है, इन तीनों का मतलब एक ही है। उदाहरण, छोटा a सदस्य है बड़े a का, तो हम इसको सदस्य भी कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं और उसको वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो तीनों का जो मतलब है वो क्या है, बराबर है, एक दूसरे के ये तीनों वर्ड क्या है, पर्यायवाची है। समुच्चय के सदस्य कौन कौन है, आइए जानते हैं समुच्चय के सदस्य कैसे निकालते हैं। यदि ए समुच्चय है हमारे पास तो ये पूछता है क्या 1, 5, 7, 8 अथवा 9 ये उस समुच्चय के सदस्य हैं या नहीं। आइए जानते हैं ए समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हमें देखना है क्या 1, 5, 7, 8 अथवा 9 समुच्चय ए के सदस्य हैं या नहीं। सबसे पहले हमने एक को देखा, क्या एक समुच्चय ए के अंदर है, क्या उसका सदस्य है, तो एक समुच्चय ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब एक समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। 5, 5 भी समुच्चय ए का सदस्य नहीं है और इसी प्रकार 7 भी समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। जब हमने 8 को देखा तो हमने देखा 8 समुच्चय ए के अंदर है, इसका मतलब 8 उस समुच्चय ए का सदस्य है। इसी प्रकार 9 को देखा, 9 उस समुच्चय का सदस्य नहीं है। आइए जानते हैं समुच्चय का निरूपण कैसे होता है। हम लोग दो तरीके से समुच्चय को निरूपित करते हैं, पहला सारणीबद्ध विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। आइए जानते हैं सारणीबद्ध विधि में क्या होता है। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सबसे पहले सारणीबद्ध विधि को करते समय सबसे पहले हम समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, फिर उनको अर्धविराम द्वारा पृथक करते हैं और तीसरा फिर अंत में उनको एक मझले कोष्टक के भीतर लिख देते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे पास एक डाइस है, उस डाइस के अंदर पहले हमने सारे अवयवों को, उस डाइस के जितने भी अवयव बन सकते हैं उन सारे अवयवों को सूचीबद्ध किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उनको लिख दिया। फिर हमारा दूसरा काम क्या है, अर्धविराम द्वारा पृथक करना है, तो हमने उसे अर्धविराम के द्वारा पृथक कर दिया और तीसरा उनको मझले कोष्ठक के भीतर लिख दिया। तो ये हमारी कौन सी विधि तैयार हो गई, सारणीबद्ध विधि। जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर की किसी अवयव में नहीं होता है, तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमारे पास V एक समुच्चय है जहां पर X एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है। तो यहाँ पे हमने देखा जो ये दो डॉट्स लगे हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं हमें, कॉलन। और यहाँ पर एक्स जो है ये हमें दर्शा रहा है उस समुच्चय के अवयव को। अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है ये हमें क्या दर्शा रहा है, कॉलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म को दर्शा रहा है और ये हमें मझले कोष्ठक के भीतर लिखने होते हैं। समझ गए बच्चों समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। आइए जानते हैं जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। सारणीबद्ध विधि में क्रम का प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण, हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें ए ई आई ओ यू एक समुच्चय के अंदर है। अगर हम इसी समुच्चय के अवयव को दूसरे क्रम में लिखते हैं तो सारणीबद्ध विधि के अंदर उस चीज का कोई प्रभाव नहीं होता, हम इसको ए यू ओ आई ई भी लिख सकते हैं। प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होते हैं। जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो सारे अवयव एक दूसरे से अलग होते हैं। सारणीबद्ध विधि को करते समय हम किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। उदाहरण, अगर हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL, स्कूल के अंदर अगर हम इसे सारणीबद्ध विधि में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे,
SCHOL। ओके दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप में इन बिंदुओं पर ध्यान दें। अब आइए जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप में हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे Y और Z इत्यादि। हम लोग हमेशा X का प्रयोग करते हैं, तो हम X की जगह किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दर्शाया हुआ है, Y एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, और दूसरे उदाहरण में दिखाया गया है Z एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। दूसरा, कॉलन के द्वारा हम लोग समुच्चय निर्माण रूप को दर्शाते हैं। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे ये दो डॉट्स लगे हुए हैं, ये हमें कॉलन दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? ठीक है, अगर ये वाले डॉट्स हैं, इसकी जगह कुछ और भी हम लोग किसी रूप से दिखाते हैं समुच्चय निर्माण रूप को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, अगर किसी संख्या का समुच्चय एक निर्धारित रूप को नहीं मानता, तो उसे समुच्चय निर्माण रूप नहीं कहेंगे। अगर ये किसी भी पैटर्न को या फिर किसी भी रूप को, निर्धारित स्वरूप को नहीं मानता, तो हम उसको समुच्चय निर्माण रूप नहीं कहेंगे। इस वीडियो में हमने दोस्तों क्या सीखा? समुच्चय का परिचय, समुच्चय का निरूपण किससे कहते हैं, सारणीबद्ध विधि क्या होती है, और समुच्चय निर्माण रूप किसे कहते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है, तो आप अपनी NCERT की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ समुच्चय के प्रकार। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीव जगत। इस वीडियो में दोस्तों हम जीव जगत का परिचय, जीवन की विशेषताएं, जैव विविधता और नाम पद्धति को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जीव जगत का परिचय समझेंगे। आपने कभी सोचा है कि हमारी यह दुनिया में कितने सारे जीव पाए जाते हैं, और इनके वास स्थान भी भिन्न होते हैं, जैसे कि समुद्र में रहने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, ठंडी जगहों पर रहने वाले जीव, रेगिस्तान में रहने वाले जीव आदि। अब दोस्तों, अगर हम जीवन को परिभाषित करें, तो हम जीवन की विशेषताओं को देखते हैं। तो आइए अब जीवन की विशेषताओं को समझते हैं। इसमें जो सबसे पहली विशेषता आती है, उसे हम कहते हैं वृद्धि। दोस्तों, सभी जीव जैसे कि यह पौधा वृद्धि करते हैं, ये अपने भार तथा संख्या को बढ़ाते हैं, जो कि जीवन की विशेषता है। अगली विशेषता है जनन। अब इसको समझते हैं, जरा यहां पर देखिए, जीवित जीव जनन कर अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है, जैसा कि यहां पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। अगली विशेषता है उपापचयन। अब दोस्तों, सारे के सारे जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन उपापचयीय प्रक्रियाओं से जैव अणुओं में बदलते हैं,
और जीवन को संभव कर पाते हैं। जैसे कि कैटाबॉलिज्म में जटिल अणु सरल अणुओं में बदलते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और एनाबॉलिज्म में सरल अणु ऊर्जा की मदद से जटिल अणुओं में बदल जाते हैं। अब दोस्तों अगली विशेषता है चेतना। दोस्तों सारे जीव अपने आसपास के पर्यावरण और दूसरे जीवों पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। यह एक बहुत बड़ी जीवन की विशेषता है। अब दोस्तों अगली विशेषता है कोशिकीय संगठन। सारे जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। यह कोशिकाएं बाद में ऊतक, अंग और अंग प्रणाली बनाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जैव विविधता को समझते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवित जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की विशाल श्रृंखला की नींव बनाती है, जो गंभीर रूप से मानव कल्याण में योगदान देती है। दोस्तों सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अलग अलग प्रकार के जीव जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो ही जैव विविधता बनाते हैं। ये जीव दोनों जमीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले होते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे नाम पद्धति। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। अब इसको समझने के लिए जरा यहां इस जीव को देखिए। दोस्तों क्या नाम है इसका? हाँ दोस्तों यह एक बिल्ली है। मगर दोस्तों अगर आप दूसरे देशों में जाएं तो इसको बिल्ली वहां थोड़ी ना बुलाते होंगे। जैसे कि अंग्रेजी बोलने वाले देशों जैसे कि अमेरिका में इसे कैट बोलते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों पर जीवों के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, वह बदलते रहते हैं। इसी कारण वैज्ञानिकों ने नाम पद्धति के बारे में सोचा ताकि पूरे विश्व में कोई एक इसका मानक नाम हो। जैसे कि बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वह है फेलिस कैटस। आइए अब इसको थोड़ा और समझते हैं। नाम पद्धति का एक प्रकार है द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति में प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इसे कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। बोटैनिकल नाम यानी कि पेड़ पौधों के नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ICBN के नियमों पर आधारित है, और जूलॉजिकल नाम जिसमें कि प्राणियों के नाम आते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN पर आधारित है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों को समझते हैं। यह नियम आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। आप चाहें तो मेरे साथ साथ इन्हें कॉपी पर लिख सकते हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों के अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए जबकि जाति संकेत पद छोटे अक्षर में होना चाहिए। लेखक का नाम संक्षिप्त रूप में जैविक नाम के अंत में प्रकट होता है। दोस्तों यह सारे नियम आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। आइए इन नियमों को एक उदाहरण से समझते हैं। इस द्विपद नाम को देखिए,
मैंगी फेरा इंडिका, यह आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह तिरछे अक्षरों में लिखा हुआ है। पहला वंश नाम है जो कि बड़े अक्षर से शुरू होता है और दूसरा जाति संकेत पद है जो कि छोटे अक्षर आई से शुरू हो रहा है। और दोस्तों हाथ से लिखते वक्त इन दोनों घटकों को रेखांकित करना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जीवन की अलग अलग विशेषताओं को समझा, हमने जैव विविधता के बारे में बात करी और हमने नाम पद्धति को भी जाना, जिसमें कि हमने वैज्ञानिक नाम कैसे लिखते हैं और उसके सार्वभौमिक नियम क्या है उन पर हमने चर्चा करी। दोस्तों आज हमने आपके एनसीईआरटी किताब के ये तीन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से पढ़कर आइएगा, किताब से पढ़कर आइएगा। और अगली वीडियो में हम सिस्टमैटिक्स, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। यार राघव, हम लोग 10वीं क्लास में आ गए हैं और अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चलकर हम अपने जीवन में क्या करें, कौन सा करियर चुने। तुमने कुछ सोचा है क्या? यार ये तुमने कैसी बात कर दी। आजकल जो मेरे घर आता है वही मुझसे पूछता है कि बेटा आगे चलकर क्या बनना है तुम्हें, तो पूछो मत कि कितना गुस्सा आता है। छोड़ना यार, आगे देखा जाएगा। नहीं यार, ऐसे बच के निकलना संभव नहीं है। ये अपने फ्यूचर का सवाल है, इसके बारे में तो हमें सोचना ही होगा। यार तुम दोनों तो गजब स्वार्थी निकले, मुझे स्कूल की छुट्टी के बाद अकेला छोड़कर भाग आए। अरे पूजा, तुम क्या ये छोटी बात कर रही हो, यहाँ अमृत की जिंदगी संकट में है। क्या कह रहा है राघव, ऐसा क्या हुआ? इसे समझ नहीं आ रहा है कि इसे अपनी जिंदगी में क्या बनना है। इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है, ये सच में एक गंभीर सवाल है। मेरे अंदर भी बहुत हलचल थी, मगर मुझे अब पता है कि आगे चलकर मुझे क्या बनना है। मैं तो बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। तुम इस निष्कर्ष पे कैसी पहुंची? क्या तुम्हारे परिवार ने इसके बारे में मदद की? नहीं बुद्धू, तूने स्कूल में नोटिस नहीं पढ़ा? यूनिसेफ की मदद से बिहार सरकार ने हम सब लोगों की इस दुविधा को मिटाने के लिए करियर पोर्टल की शुरुआत की है। क्या खूबसूरत वेबसाइट है वो, और पता है उसमें हजारों ऑप्शन दिए गए हैं और हम उनमें से अपनी रुचि के अनुसार करियर चुन सकते हैं। यार ये कब नोटिस आया, मुझे तो पता ही नहीं चला, अब मैं क्या करूं? अरे तू इतनी सी बात का टेंशन क्यों लेता है, अभी देर नहीं हुई है। तुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो याद है? बस अगर वो याद है तो अपना मोबाइल उठा और https और biharcareerportal.com पर जा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड में 123456 डालकर तू भी चुन ले कि आगे चलकर तू क्या बनना चाहता है। इस पोर्टल से हमें ये भी मदद मिलेगी कि हम अपने चुने हुए लक्ष्य को हासिल कैसे कर सकते हैं। यार अमृत दौड़ कर चल, अब तो मुझे भी ये इस्तेमाल करना है ताकि मैं सबको बता सकूं कि आगे चलकर मुझे क्या बनना है। अरे पूरी बात तो सुन ले, लोगों को सिर्फ ये बताने से कि बनना क्या है बात नहीं बनेगी।
उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए ये भी जानना तो जरूरी है। इस करियर पोर्टल में कॉलेजों की जानकारी है और कौन सी स्कॉलरशिप है और किस तरीके से प्रवेश परीक्षा देकर हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, इन सब की भी जानकारी है। इसीलिए जल्दबाजी में कुछ भी मत चुन लेना, हमें इसे धैर्य से देखना होगा और समझना होगा। पूजा, खत्म हुआ क्या तेरा बोलना? मुझे अभी जाकर देखना है। भाई राघव दौड़ लगा और जल्दी घर चल। थैंक यू पूजा, मैं तो आगे चलकर वकील बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। अब मेरा भी तो सुन, मैं साइंटिस्ट बनूंगा और आगे चलकर इसरो में नौकरी करके मंगलयान जैसी चीजें बनाऊंगा। शाबाश यार, मैं तो करियर पोर्टल की मदद से जो सोचा था वो पढ़ाई कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि स्कॉलरशिप की वजह से मुझे इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा और अब मुझे साइंटिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये करियर पोर्टल ने हमारी बहुत मदद की है। मैंने भी लॉ में एडमिशन ले लिया है वकील बनने के लिए। वो छोड़ो, मेरी तो अलग ही कहानी है। मैंने सोचा था कि आगे चलकर डॉक्टर बनूंगी, इसीलिए बायोलॉजी की पढ़ाई की। फिर करियर पोर्टल पर मैंने एक बायोग्राफी पढ़ी और पता चला कि बायोकेमिस्ट्री में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और इनकम भी अच्छी है। मैंने सोचा कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैं भी बायोकेमिस्ट्री चुन सकती हूँ और डॉक्टर बनने के लिए टाइम और पैसा दोनों ज्यादा लगेगा, तो अब मैं बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई कर रही हूँ। थैंक्स टू यूनिसेफ करियर पोर्टल। दीदी ये देखो, नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 9111239780446 पर संपर्क करें। आइए जाने कोरोना वायरस या COVID-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से करेंगे, फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं तथा फलन को इंग्लिश में फंक्शंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संबंध एवं फलन की पार्ट वन में हम क्या पढ़ेंगे। भूमिका तथा संबंधों के प्रकार। आप लोगों ने 11वीं कक्षा में संबंध
फलन, प्रांत यानी कि डोमेन, सह प्रांत यानी कोडोमेन तथा परिसर आदि के बारे में पढ़ा होगा। इसमें हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। पहला देखते हैं रिक्त संबंध। तो चलिए जानते हैं रिक्त संबंध क्या होता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर में फाई है जो कि ए क्रॉस ए का एक सबसेट है यानी उपसमुच्चय। अगली परिभाषा देखते हैं सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात आर बराबर है ए क्रॉस ए के। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तब आर बराबर ए कॉमा बी जहां ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। तो देखिए यहां पर स्कूल बालकों का है यानी यहां पर लड़कियां नहीं है, और अगर यहां पर लड़कियां नहीं है तो ए बी की बहन है ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। यानी अगर हम बात करें कि एक स्कूल में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं तो उस स्कूल के किसी दो विद्यार्थियों में ऐसा संबंध पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो ये रिक्त संबंध कहलाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। R डैश बराबर है A कॉमा B जहां पर A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा पद्धत संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो आप लोग जानते हैं 3 मीटर लंबाई कितनी होती है। हमें ये बताना है कि A तथा B दो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाइयों का बीच का अंतर 3 मीटर से कम है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सभी विद्यार्थियों के बीच का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा। 3 मीटर से अधिक किसी भी दो व्यक्तियों की ऊंचाइयों का अंतर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अब समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए यानी कि हर एक छोटा ए बड़े ए के समुच्चय में है के लिए ए कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूसरा परिभाषा है सममित यानी कि सिमेट्रिक। सममित कहलाएगा यदि समस्त ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू आर से ए टू कॉमा ए वन बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। यानी अगर दो कोई एलिमेंट समुच्चय ए में है तो ए वन ए टू आर में अगर है तो ए टू ए वन भी आर में होगा। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। थर्ड संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। संक्रामक कहलाएगा यदि समस्त ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री बिलोंग्स टू ए के लिए ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू आर तथा ए टू कॉमा ए थ्री बिलोंग्स टू आर से ए वन कॉमा ए थ्री बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। यानी कोई भी 3 एलिमेंट अगर कैपिटल ए यानी कि समुच्चय ए में है तथा ए वन का संबंध ए टू से है तथा ए टू का संबंध ए थ्री से है तो A1 का संबंध A3 से हो
तो हम इसको संक्रामक कहेंगे। ई पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है, यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो। यानी जो ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीनों अगर हैं, तो हम ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर बराबर t1, t2 इस प्रकार से परिभाषित है कि t1 t2 के सर्वांग सम है। ये कैसा संबंध है? सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए एक एक करके तीनों को चेक करते हैं हम। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। माना कि t1 टी में बिलोंग करता है, यानी कि t1 एक त्रिभुज है जो कि समुच्चय टी में है। मान लेते हैं t1 त्रिभुज ABC है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप जानते हैं कि ये ऑब्वियस है कि त्रिभुज ABC अपने आप के सर्वांग सम होगा, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABC के। अर्थात हमें प्राप्त होता है t1 सर्वांग सम है t1 के। यानी अगर ये दोनों आपस में सर्वांग सम है तो ये इस संबंध को सेटिस्फाई करते हैं, यानी t1, t1 बिलोंग करता है R में। तो संबंध R स्वतुल्य है। चलिए अब चेक करते हैं क्या ये सममित है। माना कि t1 और t2 दो ऐसे त्रिभुज हैं जो समुच्चय T में है। अब t1 t2 बिलोंग करता है R के, यानी t1 सर्वांग सम है t2 के। अगर t1 t2 के सर्वांग सम है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि t2 भी t1 के सर्वांग सम होगा। और अगर t2 t1 के सर्वांग सम है, अर्थात t2, t1 बिलोंग करता है R में, यानी संबंध R सममित है। तो यहां से हमने ये देखा कि हमें इस तरीके से सिद्ध करना है कि अगर t1 t2 के संबंधित है, तो हम अगर ये सिद्ध कर पाए कि t2 भी t1 के संबंधित है, तो ऐसे संबंध सममित कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। माना कि t1, t2, t3 ऐसे तीन त्रिभुज हैं जो समुच्चय T में बिलोंग करते हैं, तथा t1, t2 बिलोंग करता है R में, तथा t2, t3 बिलोंग करता है R में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि t1 सर्वांग सम है t2 के, तथा t2 सर्वांग सम है t3 के। तो क्या आप जानते हैं सर्वांग सम के रूल्स को? अगर हम जाने तो अगर एक त्रिभुज t1 t2 के सर्वांग सम है और t2 t3 के सर्वांग सम है, इसका अर्थ है कि t1 t2 के सर्वांग सम है तथा t2 t3 के सर्वांग सम है। यानी इससे हमें प्राप्त होता है कि t1 t3 के सर्वांग सम है। और अगर t1 t3 के सर्वांग सम है तो संबंध के परिभाषा के हिसाब से t1, t3 बिलोंग करता है R में, यानी संबंध R संक्रामक है। अब क्योंकि संबंध R स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसीलिए यह एक तुल्यता संबंध है। तो इस वीडियो में हमने संबंधों के प्रकार पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम फलनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन। इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ शब्दावली, पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली शब्दावली है युग्मक जनन। इस प्रक्रिया में युग्मकों की रचना होती है, जैसे कि नर में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु की रचना होती है। अगला है वीर्य सेचन। इसमें स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण होता है। अगला है निषेचन, जो कि शायद आपने कई बार सुना होगा। इस प्रक्रिया में पुरुष तथा स्त्री युग्मकों का संलयन होता है, जो कि जायगोट बनाता है, और ये जायगोट बाद में गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, जिसे हम अंतरोपण कहते हैं, और इसके परिवर्धन को हम गर्भावधि कहते हैं। और फिर एक समय बाद प्रसव की प्रक्रिया से शिशु का जन्म हो जाता है। आइए अब पुरुष जनन तंत्र को समझते हैं। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय आते हैं। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र कुछ ऐसा दिखता है। यहां पर वृषण होता है जहां पर शुक्राणुओं की रचना होती है। ये उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। ये वृषण शुक्रवाहक से जुड़ा होता है, जो कि मूत्राशय से लूप बनाता हुआ स्थलनीय वाहिनी में खुलता है। अब दोस्तों, पुरुष जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे कि शुक्राशय, पुरस्थ और बल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियां कुछ स्राव उत्पन्न करते हैं, जो कि शुक्राणुओं की उत्तरजीविता में काम आते हैं। ये नर युग्मक शीशन में मूत्राशय की मदद से आते हैं। संभोग के दौरान ये शिशु मूंड से निकल जाते हैं, जो कि अग्रछद से ढका होता है। तो ये थे कुछ पुरुष जनन तंत्र के हिस्से। आइए अब वृषण तथा सहायक नलिकाओं को समझते हैं। दोस्तों, वृषण की संरचना कुछ ऐसी दिखती है, और ये वृषण पुरुष के प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि ये एक थैली में स्थित होते हैं, जो कि उदर गुहा के बाहर होती है, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। अब इसका क्या कारण होगा, जरा सोचिए। हाँ, इसका कारण है कि शुक्राणु जनन के लिए शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप की आवश्यकता होती है। अब जो सहायक नलिकाएं होती हैं, वो वृषण में भी मौजूद होती हैं। तो अब हम उनको समझेंगे। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें हम वृषण पालिका कहते हैं। इन वृषण पालिका में कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं, जहां पर शुक्र जनन होता है। अब शुक्र जनक नलिकाएं वृषण जालिका की मदद से शुक्र वाहिका में खुलती है, और ये शुक्र वाहिका अधिवृषण में खुलती है, जहां पर सारे शुक्राणु संचय होते हैं और स्खलन का इंतजार करते हैं, और अंत में अधिवृषण शुक्रवाहक में खुलता है। आइए अब शुक्र जनक नलिकाओं को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स भी कहते हैं।
अब शुक्र जनन सर्टोली कोशिकाओं की सहायता से संभव हो पाता है क्योंकि ये विकासशील शुक्राणुओं को पोषकता प्रदान करती है। यहाँ पर लीडी कोशिकाएं होती है जो कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को उत्पन्न करता है। ये शुक्राणु शुक्रजनन नलिका की बाहरी ओर बनता है और बाद में धीरे धीरे अंदर की तरफ आ जाते हैं और अंत में मायोइड कोशिका की मदद से ये आगे आने वाली सहायक नलिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। आइए अब स्खलन यानी कि इजैकुलेशन को समझते हैं। शुक्रवाहक शुक्राशय से जुड़कर स्खलनीय वाहिनी बनाता है। स्खलनीय वाहिनी पुरस्थ ग्रंथि से गुजरती है जो कि मूत्र मार्ग में खुलती है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का स्खलन हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पुरुष जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियों को समझते हैं। इसमें जो सबसे पहली ग्रंथि है वो है शुक्राशय। शुक्राशय चिपचिपा द्रव उत्पन्न करता है और इसमें फ्रक्टोज प्रोटीन होता है। दूसरी ग्रंथि है पुरस्थ, इसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। प्रोस्टेट के स्राव पतले दूधिया रंग के और क्षारीय होते हैं। वे शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तीसरी ग्रंथि है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, यह एक क्षारीय द्रव का स्राव करता है। यह द्रव मूत्र मार्ग में मूत्र अवशेषों की अम्लता को बेअसर करता है, योनि की अम्लता को बेअसर करने में भी मदद करता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव मैथुन के दौरान शीशन में स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और स्त्री जनन तंत्र को समझते हैं। इसके अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, बाह्य जननेन्द्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां आते हैं। जरा यहां पर देखिए, ये चित्र स्त्री जनन तंत्र का है। यहाँ पर अंडाशय है जो कि स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। यह अंडाशय मादा युग्मक और कई अंडाशय हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कीपक होता है जो कि अंडाशय के सबसे पास होता है और ये फनल के आकार का होता है। कीपक आगे चलकर एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं और फिर इस्थमस आता है। ये कीपक, एम्पुला और इस्थमस अंडवाहिनी नलिका के हिस्से हैं। इस्थमस वाला हिस्सा गर्भाशय से जुड़ता है और यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा है जो कि ग्रीवा नाल की मदद से योनि से जुड़ती है। आइए अब स्त्री के बाह्य जननेन्द्रिय को पढ़ते हैं। इसको हम वल्वा कहते हैं। इसके अंतर्गत मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस आते हैं। यहां पर मूत्र मार्ग छिद्र होता है और यहां पर योनि छिद्र होता है। ये सारे हिस्से बाह्य जननेन्द्रिय के हैं, तो आप सभी को ये सारे याद रखने हैं। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गर्भाशय को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि गर्भाशय यहाँ पर होता है जहां पर जायगोट का अंतरोपण होता है। तो गर्भाशय में तीन परतें होती हैं। जो सबसे पहली बाहरी परत है उसको हम कहते हैं परिगर्भाशय। मध्य परत को हम कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, और आंतरिक परत को हम कहते हैं गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय अंतःस्तर में आर्तव चक्र के दौरान कई सारे परिवर्तन होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्तन ग्रंथियों को समझते हैं। कार्यशील स्तन ग्रंथियां सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। इसमें ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक
15 से 20 स्तनपालियों में विभक्त होता है। इनमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें हम स्तनकूपी कहते हैं। इनमें दुग्ध स्रावित होता है जो कि कूपिकाओं के गुहा में एकत्र होता है। ये कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती हैं और निपल की मदद से दूध स्तन से बाहर आ जाता है। इसके आसपास के कुछ भाग हैं जैसे कि एरियोला, प्रशुका, प्रशुकाओं के बीच की पेशियां और पेक्टोरलिस मेजर। इस वीडियो में हमने पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ा और हमने स्त्री जनन तंत्र के बारे में भी चर्चा करी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब की ये दो टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से जाकर किताब से पढ़ना। अगली वीडियो में हम युग्मक जनन और युग्मकों की संरचना को समझेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हो उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में ये भी बोला गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिएगा। अब आप इन सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और आप हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल नोट कीजिए biharunnayan@gmail.com। आप इस एपिसोड का पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं इसी चैनल पर संध्या 4:05 से 5 तक, और ये एपिसोड आज 1 के बाद YouTube पर भी आ जाएगा। तो आप YouTube पर भी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय सर्च करके इकोवेशन के चैनल पर अपलोड की गई वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय दोस्तों।